इस वक्त मंगली की 6000 फीट हाइट पर हम लोग बैठे हैं शमशान में पहले दरवाजे से सेंड करते हुए। ये कह रहे हैं कि अगर रिस्क लेते हैं क्रॉस करने का तो यहाँ पर लॉन्च जा सकता है, बर्फ बहुत है। इस वक्त हम मंगलीक एडवांस हाई कैम्प के ऊपर बैठे हैं, बल्कि उससे भी ऊपर, दरबार कैम्प से भी ऊपर। मजर के कपड़ों को देख के लगेगा कि स्नोफॉल हो रही है। अभी सुबह देख लेंगे क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे हमने रात गुजारना है और फिर सुबह पता चलेगा कि क्या फिटनेस रहती है। इस वक्त रात के तकरीबन 2:15 बज रहे हैं। हवा जो है कुछ हमें और ही कह रही है। Let's have a look. One wrong step and down. ये total descent हमने करना है वो नीचे पर ही है। descent के बाद वो हमारा ऊपर जाता हुआ track, दोबारा ascent. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। शमशाल पास के लिए लाहौर से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया और तकरीबन 4 घंटे में पिंडी पहुंचने के बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन हुंजा था, जो कि तकरीबन 22 घंटे की राइड बनती है। हुंजा स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे अताबाद क्रॉस करते हुए हम पसुकोंस से होते हुए शमशाल विलेज के लिए निकले। जब भी हम हुंजा से खुंजाब पास का सफ़र करते हैं तो तकरीबन सुस से कुछ देर पहले रोड की दाईं जानेब पसुकोंस का बहुत ही दिलकश मंज़र हमारी आंखों के सामने होता है। शाहराए कराकरम पर सफ़र करने वाले सियाह सोच भी नहीं सकते कि पसुकोंस के उकब में 7 से 8 घंटे की जीप राइड के बाद एक ऐसी वैली आती है जिसका नाम वादिय शमशाल है, जो शमशाल वैली के नाम से जानी जाती है। शमशाल की तारीख तकरीबन 600 साल पुरानी है। जो लोग भी हाइकिंग ट्रैकिंग का शौक रखते हैं वो ये बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान के तकरीबन सबसे खतरनाक और मुश्किल तरीन ट्रैक या तो शमशाल गांव से शुरू होते हैं या फिर उनका इख्तिताम यहां पर होता है। हमने भी अपनी जहनी और जिस्मानी फिटनेस चेक करने के लिए शमशाल गाँव से शमशाल पास और फिर वहां से आगे मंगलीक सर पीक, जिसकी हाइट 6050 मीटर है, का इंतखाब किया। पाकिस्तान के हाई अल्टीट्यूड पोर्टर्स में से अक्सरियत शमशाल के पोर्टर्स और गाइड की होती है। इसी सफर के दौरान हमारी मुलाकात
रजब शाह से भी हुई। पहुंचना तो है ही ना, पहुंचना है अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह। वो दरबार कैंप, हाई कैंप, शाबाश, क्या बच्चा शमशाल फर्स्ट लीग। शमशाल गांव से जब हम अपने ट्रैक का आगाज करते हैं तो हमारी पहली कैंप साइट पसफुरजीन होती है, जो तकरीबन 7-8 घंटे का ट्रैक बनता है। शमशाल पास के ट्रैक में आपने एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि अपना पानी की बॉटल्स एक्स्ट्रा भी साथ रखनी है, क्योंकि इस पूरे ट्रैक के दौरान नेक्स्ट कैंप साइट से पहले कहीं भी आपको पानी नहीं मिलता। पसफुरजीन से सेकेंड डे हम परियन से होते हुए दरवाज़ा पास क्रॉस करते हैं, जो कि शमशाल के ट्रैक में बहुत अहमियत रखता है। काफ़ी उतार चढ़ाव के बाद हम तकरीबन 7-8 घंटे का ट्रैक करके अपनी नेक्स्ट कैंप साइट अरबाब परियन पहुंच जाते हैं। इस वक्त हम मंगलीक एडवांस हाई कैंप के ऊपर बैठे हैं, बल्कि उससे भी ऊपर दरबार कैंप से भी ऊपर, जो ये बुत्ता नजर आ रहा है आपको, हमने अमन भाई बताया मुझे वो सामने वो जो ग्लेशियर सा नजर आ रहा है वो कौन सा, वो जहाँ पे बिल्कुल सूरज के साथ जो पीक दिख रहे हैं। हाँ जी, वो नौ पसो पीक है ठीक है। बाकी इसके अंदर बहुत सारे पीक है, जिसमें दस्तगीर भी है, लेवर भी है, वाइट हॉर्न भी है, मनहल सर भी है, वुमेल सर भी है। अब वो थोड़ा सा बादल की वजह से नहीं दिख रहे हैं। सही है। और इस तरफ घूमेंगे। अच्छा, हमारे सामने जो है युक्षिंगर्दन है, ये सामने वाली बिल्कुल। हाँ जी,
अच्छा, और ये जो बिल्कुल सामने ही जिसपे बादल आए हुए हैं, जिस पे बादल हुआ है, ये कंजूत सर। कंजूत सर, ओके। और उसके साथ में एक छोटी सी वो बिल्कुल टॉप सा नज़र आ रहा है जिसपे सूरज की रोशनी पड़ रही है, यही कंजूत सर हो गए। ये जो पहले मैंने बताया था वो नहीं, वो रॉकी जो है वो कौन सी है? वो युक्शिंगर्दन। युक्शिर्दन, युक्शिंगर्दन, युक्शिंगर्दन। ये किसने नाम रखे हुए? ये हमारे अपने लोकल नेम है। और उसके बाद पीछे है लेकिन ये सारा अननेम्ड। अच्छा अच्छा अच्छा। और इस तरफ ये हमें सामने शेर पीक नजर आ रही है, सामने वाले ठीक है, शोर शोर्ट पीक नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये नीचे शमशान लेक, शमशान लेक है दोनों, और समर सेटलमेंट है शोर्ट शोर्ट, ओके। आगे जो है वो आपके कश्तर है। कौन सी कश्तर? पीक है जो जैसा जो है, ठीक है, वो कश्तर पीक है। काफी वर्टिकल है, क्लाइंब नहीं किया क्योंकि रॉक एंड आइस है। उसके बाद वेसम पीक दिख रहे हैं। कौन सी पीक? वेसम, वेसन, वेसम, वेसम जी, ओके। जो बिल्कुल एक सामने है। अच्छा, यहाँ पे एक वो माइकल की वो बेटी के नाम पे जो है वो कौन सी पीक है? माइकल की बेटी के नाम पे कोई पीक नहीं, कोई पीक नहीं है, कोई पीक नहीं। वो कौन से माइकल है? पता नहीं, वहीं पे वो बता रहा था कि जी वो उसने क्लाइम की थी, तो इस तरह की। उसके बाद इस तरफ किसी ने भी क्लाइम नहीं की क्योंकि आगे जो है वहाँ पर आपके ब्रालदू ग्लेशियर है। तो ब्रालदू ग्लेशियर के ऊपर काफ़ी सारे 6,000 और 7,000 पीक्स है लेकिन वो अनक्लाइम्ड है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये सामने जो नज़र आ रहा है मंगली का हिस्सा है, ये मंगली का हिस्सा है। ये नीचे हमारा ये हमारा एडवांस दरबार कैंप हो गया, ठीक है। और ये ऊपर ये ट्रैक है हमारा, यहाँ से ट्रैक यहाँ से होते हुए वहाँ पर एक बहुत सा दिख रहा है वहाँ से। इस वक्त जिस तरह हम नीचे से आए हैं ऊपर, फिटनेस का क्या आप रिकमेंड करते हो? ठीक है, ऐसा कोई इशू तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई नहीं अभी तक। अभी सुबह देख लेंगे क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे हमने रात गुजारना है और फिर सुबह पता चलेगा कि क्या फिटनेस। सूरज भी कुछ ज़्यादा करीब नहीं आ गया? सूरज की चल अभी पूरी मंदिर पे अभी आएगी सूरज की रोशनी। बट इट ब्यूटीफुल यार, रियली अमेजिंग। बहुत कम लोगों को नसीब है यहाँ पे आना, भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि सी लेवल से 5,400 तक आना बड़ी बात है। सी लेवल से भी ग्लो रहता है और ख़ास तौर पे इस रॉकी जो जो चीज़ हम करके आए हैं, बल्कि ये रॉकी एरिया, ये रॉकी एरिया काफ़ी मुश्किल तरीन है, जो कि कैमरे की आंख तो वो नहीं देख सकती, जो कि इंसानी आंख या फिर उसको देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और ये नियामत भाई हैं हमारे, जिनकी बदौलत इनकी गाइडनेस में हम यहाँ तक पहुँचे। हम समिट तक कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश नहीं इंशाल्लाह हम पहुँचेंगे, डेफिनेटली पहुँचेंगे। क्यों मज़े भाई सुबह इंशाल्लाह ऊपर हाथ दिला दे भाई कैमरे में, आप लोग कैसा कैसा आप मंगलीक पहुंच गए हैं, अब हाथ दिला दे, ये मंगलीक नहीं है कैसा वो बीच में एक छोटा सा पहाड़ है उसके पीछे बड़ा सा कैसल नुमा पहाड़ है, वो सामने एक छोटा सा मटी है। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं कंजूस सर है। नहीं नहीं, नीचे जो है। हाँ हाँ भाई, उसी की बात कर रहा हूँ। फिर उसके ऊपर कैसल नुमा वॉल टाइप, वही चीज़, वही ना स्नो जो पड़ी हुई है सारी उस पर। हाँ हाँ, उसी की तो कंजूस सर कह रहे हैं। ये अभी बारिश वारिश हो रही है? नहीं, मतलब बताए तो सारे सही है ना, हमें तो पता नहीं। अच्छा पता लगे, हमें उल्लू बनाया हो, ठीक है, हमें तो पता नहीं। हमें तो आप कह देंगे इस वक्त आप जो बीच में दिख रहे हैं ना, ये चतपथ सर है, चतपथ जो वहाँ से मैंने पेड़ से दिखाया था, ये चतपथ पीक अभी ये रॉक के साथ जो रॉक एंड आइस, क्योंकि हमें तो आप कह देंगे आप एवरेस्ट पे बैठे हैं, हम तो मान लेंगे भाई, हमें नहीं पता, सीधी सी बात है। ये ना हो गया अभी पहले भाई बोलेंगे कैसा। कल हम इसके समिट समिट पुश करेंगे इंशाल्लाह।
कैंप हमारा छोटा सा नजर आ रहा है, इसमें तो नहीं आ रहा। जहाँ पे यॉक्स हैं वो कैंप है, उससे थोड़ा सा राइट साइड पर थोड़ा सा कलर का एक डॉट नजर आ रहा है जहाँ ये कर्व हो रही है। रात के तकरीबन 2:15 बज रहे हैं और वसीम, मज़र, एंटनी और ये हमारे अस्नान वेट करेंगे हमारा। अब इंशाल्लाह आगे मंगलीक के लिए निकलना चाह रहे हैं। हवा जो है कुछ हमें और ही कह रही है। लेट्स हैव अ लुक। देख रहे हैं ना आप लोग, कितनी मुशक्कत के बावजूद भी मैं जाने के लिए बिल्कुल तैयार और पुरअज़्म हूँ। इस वक्त मंगली की 6000 फीट हाइट पर हम लोग बैठे हैं और बैड लक एक ऊपर बहुत हैवी ग्रेविस नज़र आ गई है जिसकी वजह से हमें वो आगे जाने से मना कर रही है। कह रहे हैं रिस्क ना लिया जाए। 50 मीटर समर्ड ऊपर नज़र आ रहा है। से मज़ीद खूबसूरत नजर आना था। मंगली की अदर रिज और क्रेविसेस। जी भाई क्या पोजीशन है? गो डाउन। ये कह रहे हैं कि अगर क्रॉस करने का तो यहाँ पता जा सकता है, बर्फ बहुत है। ये देखो नीचे किस तरह आ रही है। नहीं नियामत भाई रिस्क तो नहीं है, सीधी सी बात है। रिस्क वाली तो बात नहीं है क्योंकि मैं क्या सभी अपने घर वालों से मेरे ख्याल से वादा करके आए थे कि रिस्क नहीं लिया जाएगा और मुझे तो परमिशन भी इसी वजह से मिली थी कि आपने अपनी उसका देख के करना है तो इतना कोई वो नहीं है। अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुँचाया है, कोई मसला नहीं है। खैर दुख तो बहुत है। नहीं एक चीज़ क्यों करेंगे, अगर आपने करना होता तो यहाँ तक लेके आते। रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, इट्स ओके। नहीं नाराज तो वाली तो कोई बात नहीं है लेकिन अल्लाह ताला को यही मंजूर था, इट्स ओके। अच्छा एक बात बताएं, आपने 6000 तो टच कर लिया है ना?
नज़र आ रही हैं सितना के ऊपर एक रावस है जो घटन है, जिस तरह वो आगे फ्लो सा बन रहा है। शमशान में पहले दरवाजे से सेंड करते हुए बाकी साथी नीचे उतर रहे हैं। नियामक गाइड मेरे बिल्कुल आगे, उनसे आगे मज़र, फिर अरसलान, वो आगे वसीम, और ये टोटल डिसेंड हमने करना है वो नीचे परियन। ये डिसेंड के बाद वो हमारा ऊपर जाता हुआ ट्रैक, दोबारा सेंड एंड मूव टू परियन, सॉरी रॉन्ग स्टेप एंड डाउन डाउन डाउन। पानी वाले रास्ते से बहुत स्पीड से उतरते हुए
बाप परियन से हमारी फोर्थ कैंप साइट शुजरब होती है, जो कि तकरीबन 4 से 5 घंटे की मुसाफत पर है। लेकिन हम लोगों ने वहां पहुंचकर ये डिसाइड किया कि हम तकरीबन कोई 1.5-2 घंटे का ट्रैक मजीद कर क्यों ना शमशाल पास ही पहुंच जाएं और वहां पे एक दिन मजीद एक्सप्लोर करें। शमशाल पास पहुंचकर हमारा रेस्ट डे था और नेक्स्ट डे हमने मंगलीक हाई कैंप के लिए निकलना था, जिसकी हाइट तकरीबन 5,400 मीटर है। जब भी हम कोई पीक सबमिट करने के लिए निकलते हैं तो रात के 12 या 1 बजे हमें अपना ट्रैक स्टार्ट करना होता है। मंगलीक पीक सबमिट के लिए तकरीबन हम लोगों ने 2:30-2:30 के दरमियान रात अपना ट्रैक स्टार्ट किया और तकरीबन हम 9 से 9:30 बजे तक 6,000 के करीब पहुंच चुके थे। 6,000 मीटर हाइट पर पहुंचकर हमारे गाइड नियामत ने हमें एक बड़ी ही बुरी खबर सुनाई के ऊपर एक बहुत बड़ी क्रेविस निकल आई है, जिसकी वजह से हम समिट पुश तक नहीं पहुंच सकते। चलें, चलो भाई। फ्रेंड्स, आपने अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि नए आने वाली तमाम वीडियोस भी आपको मिलती रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। गुड डिसेंट। वो कहाँ है? ये कहाँ है? अरसलान बैठा है। यस, गुड सर।